लेक्चर नंबर 3 डे 1 का हम स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा था लेक्चर नंबर 2 में यूनियन निकालना। अब हम सीखते हैं क्या बेटा, इंटरसेक्शन किस तरह निकालते हैं। दो साइड किस हम शो करते हैं उल्टे यू से। हमारे पास क्या मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 इफ ए, हम पास ए मौजूद है क्या है 3, 4, 5, 9 और 10। एंड बी क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 6। और हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालें। बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं बेटा। क्या निकालना हम लोगों ने, ए इंटरसेक्शन बी। पहले क्या था ए, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3, 4, 5, 9, 10। सेम हमने कॉपी कर दी। फिर साइन कौन सा है इंटरसेक्शन का, वो साइन हमारा यहाँ पे मौजूद आ गया। फिर क्या लिखा हुआ था बी, बी हमारे पास मौजूद क्या है 1, 2, 3, 4 और 6। अब हम इसमें करते क्या इंटरसेक्शन के अंदर, या देखो बेटा बहुत सिंपल है, आपके पास इन दोनों साइड के अंदर जो वैल्यू सेम आ रही हो उसे हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन में लेते हैं, जो वैल्यू सेम आएगी। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, बिल्कुल ये 3 सेम आ गया। फिर 4 यहाँ पर है, 4 वहाँ पर है, 4 भी बिल्कुल 4 भी यहाँ पर आ गया। 5 यहाँ पर है, 5 वहाँ पर है, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 9 यहाँ पर है, 9 वहाँ पर है, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 10 यहाँ पर है, 10 वहाँ पर है, नहीं है तो ख़त्म हो गई बात। सेम कितने पास 3 और 4। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर है इंटरसेक्शन का। टॉपिक नंबर 3 था हमारे पास सब्ट्रैक्शन के, हम माइनस दो सेट को कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमें क्या मौजूद है क्वेश्चन में, पहले इफ ए, ए क्या हमारे पास 3, 4, 7, 8 और 10। एंड बी, बी क्या हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 8। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, ए माइनस बी, कि हम दो सेट को आपस में माइनस कैसे करते हैं। याद रखें सिंपल सी चीज़ है, पहले क्या लिखा हुआ था ए माइनस बी, तो पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो पहले क्या आएंगे ए की वैल्यूज, वो क्या है 3, 4, 7, 8 और 10। फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो फिर यहाँ पर माइनस आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है बी, बी हमारे पास मौजूद बेटा 1, 2, 3, 4, 8। तो अब हम माइनस में क्या करते हैं, याद रखो बेटा सिंपल चीज़ है, जो चीज़ें दोनों सेट में क्या आ रही हूँ सेम आ रही हूँ, आप पहले उसे काट दीजिए। 3 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर है, काट दिया। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, काट दिया। 8 यहाँ पर है, 8 वहाँ पर है, काट दिया। और कुछ तो सेम नहीं आ रहा। अब देखो बचा गया खाली फर्स्ट सेट के अंदर, क्या बचा है 7 और 10। तो यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। कभी भी हम सब्ट्रैक्शन के अंदर सेकंड वैल्यू को नहीं लिखते हैं। आपने 3 चीज़ें सीखी, पहले यूनियन निकालें सबको तरतीब से लिख दीजिए, सेकंड चीज़ इंटरसेक्शन निकालना, जो चीज़ दोनों में सेम है खाली वो हमारे किस में आएगी आंसर में आएगी। नंबर 3 था सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना, जो चीज़ दोनों में सेम है आप उसे कट कर दीजिए, और जो बचेगा खाली पहले ब्रैकेट में वो हमारे आंसर में मौजूद होगा। थैंक यू।